इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 मार्च को दोपहर 2:15 पर हेलीकॉप्टर से भोपाल से रवाना होकर 3:15 पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम 4:50 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा से प्रस्थान करेंगे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जहां वे आयोजन स्थल और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसे न्याय दिलाने के लिए आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर पुलिस थाने में पहुंचे, जहां पर पुलिस के द्वारा भीड़ को खदेड़ने के लिए फायरिंग की गई। पुलिस की इस फायरिंग में आदिवासी समाज के एक युवक की मौत हो गई। आदिवासियों पर गोली चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और बलात्कार पीड़ित युवती को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिला आदिवासी प्रकोष्ठ, नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और आदिवासियों ने उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसके आवाज उठाए, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली फायरिंग में एक मासूम आदिवासी बच्चे की हत्या हो गई है, तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। ग्राम बनगांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बनगांव निवासी शिवम पिता बसंत बकरी को पेड़ के नीचे बांध रहा था। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से बकरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिजली में झुलसने के कारण शिवम को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। स्कूल से आया घर पे, अब जैसे मौसम बना तो बकरी छोड़ रहा था तो अब जैसे कि बिजली कड़की तो बोलता रहा है झाड़ है, तब बोलता रहा झाड़ है, तो वहाँ पे बकरी खत्म हो गई। बच्चा को थोड़ा असर आया, अब वो कैसा कैसा क्या हुआ हमको जब पता चला बच्चा हमारा कैसा हो गया, जब फिर हमने 108 लगाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सहित संयुक्त मोर्चा संघ के पर्यवेक्षक भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेल बगीचे में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें नियमितीकरण सहित निर्धारित वेतनमान दिए जाने की मांग शामिल है। महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ संयुक्त रूप से बैठकर जो आकस्मिक अवकाश किया है उसके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें परियोजना अधिकारी की विभिन्न मांगे हैं, पर्यवेक्षक की नियमितीकरण की और वेतन संगति की कुछ मांगे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नियमितीकरण व उनके जो पुराना एरियस बचा हुआ है 1500 रुपये का, उसकी मांग के लिए शांतिपूर्वक धरना। कोटवारों को नियमित किए जाने, उन्हें सेवा भूमि दिए जाने और 62 वर्ष की आयु में निकालना बंद करने सहित उन्हें चतुर्थ श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आज जिला कोटवार संघ के द्वारा जेल बगीचे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कोटवार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर 10 मार्च से जेल बगीचे में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, परंतु इसके बावजूद भी शासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। यदि शासन के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो कोटवार संघ आगे भी आंदोलन जारी रखेगा। हमारी मांग आज 17 तारीख को हो गई, लेकिन हमारी मांग को मध्य प्रदेश सरकार ने सुना नहीं। पूरे जिले के कोटवार लोग परेशान हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। जैसे हम लोगों ने नियमितीकरण की मांग कब से कर रहे हैं, उनको कई बार हमने अवगत कराए, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। आज रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये चल रहा है सर कि कलेक्ट्रेट में जाकर अपन ज्ञापन दें। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस
आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव पर साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वाध्याय भवन में अक्षय निधि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश अहिंसा, मुख्य अतिथि अशोक वैभव एवं विमल जैन के हस्ते सम्मानित किया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने हिस्सा लेकर आदिनाथ भगवान के संपूर्ण जीवन को जाना। ऊपर से नीचे की जो चार लाइन है, सब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। उसके बाद चार पंच परमेश के अभी 5, 7 तप अभी 7, 10 लक्षण अभी 10, 12 तप अभी 12। महू जिले में घटित जघन्य गोलीकांड के विरोध में जिला युवक कांग्रेस के द्वारा आज स्थानीय रानी दुर्गावती चौक खजरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य एहके के नेतृत्व में इसके आंदोलन में उपस्थित सैकड़ों युवाओं ने एक स्वर में घटना की निंदा करते हुए इसे आदिवासियों के विरुद्ध जानबूझकर की जा रही कार्यवाही बताया। एकलव्य एहके ने कहा कि प्रदेश में लगभग प्रतिदिन आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, परंतु प्रदेश की भाजपा सरकार सोई हुई है। थाने के गांव में पुलिस द्वारा उनके ऊपर गोली बरसाई गई, जिसके कारण भेरूलाल नामक व्यक्ति की वहां पे स्पॉट पे मृत्यु हो गई। और दोषियों पर निरंतर शिवराज सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है और पुलिस को आगे करके उनको संरक्षण देने का काम निरंतर वह कर रही है। इसको लेकर आज हमने खजरी चौक में शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। माँ कर्मा जयंती के उपलक्ष में साहू समाज के द्वारा आज स्थानीय पूजा लॉन में माँ कर्मा की शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में साहू समाज के सभी पदाधिकारियों और सामाजिक बंधु शामिल हुए। यह शोभा यात्रा परासिया रोड से होते हुए साहू समाज के भवन सिवनी रोड में पहुंची। इस अवसर पर साहू समाज के जिलाध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बताया कि माँ कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज के द्वारा दशहरा मैदान में साहू समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के द्वारा नवविवाहित दंपतियों को उपहार भी दिए जाएंगे। और आयोजित होंगे तत्पश्चात द्वितीय दिवस 18 मार्च फिर शनिवार रात पहुंचनी एकादशी के दिन माँ कर्मा का। साहू समाज सेवा ट्रस्ट और जिला साहू समाज एक कार्यक्रम करती है जिसमें आदर्श विवाह होता है कल, और ये वाहन रैली पूजा लाश से साहू भवन तक जाती है, जिसमें नाश्ता वगैरह सभी रास्ते में भोजन सब व्यवस्थाएं होती है। और ये साहू समाज का प्रति वर्ष के आज 48 वर्षों से रेगुलर हो रहा है हमारी समाज में, और कल आदर्श विवाह है जिसमें सभी कुछ करीब 1 लाख रुपए का सामान समाज देती है। ग्राम पंचायत कुंडाली कला में सहकारी मर्यादित सोसाइटी के अधिकारियों के द्वारा निजी भूमि पर 500 मैट्रिक टन का गोदाम निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि 25 ग्रामों के 5000 किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस निजी भूमि पर बनने वाले गोदाम निर्माण कार्य का स्थानीय किसान और क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं।
इसे लेकर आज से मोहन नगर के पास डीआर ऑफिस के सामने किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू कर दिया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों के द्वारा निजी भूमि मालिक से साठ गांठ करके गोदाम बनाया जा रहा है, इससे किसानों को नुकसान होगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासक तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रबंधक तुम्हारी तानाशाही। लगातार 28 तारीख से कलेक्टर महोदय को भी हमने जन सुनवाई में दिए या गोदाम को निर्माण को रुकवाने के लिए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमने लगातार प्रयास किया कि यह गोदाम निर्माण रुके और स्थान परिवर्तन हो, लेकिन अधिकारियों ने इतनी खतरनाक तरीके से सांठगांठ की रखी है ऊपर तक कि वो हमारी कोई सुनवाई, किसी प्रकार की किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक निजी भूमि स्वामी से सांठगांठ करके उसकी निजी भूमि पर तालाब के किनारे गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि समस्त 25 ग्राम के 5000 किसान जो कि सोसाइटी के सदस्य हैं उनके खाद बीज और सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, परंतु अधिकारियों ने निजी भूमि स्वामी से साठगांठ कर लिया है और उसको लाभ पहुंचाने के लिए 25 ग्राम के किसानों के हित को ध्यान में न रखते हुए उस गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। 16 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग एकता और कल्याण मंच के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दिव्यांगों ने उनकी दिव्यांग पेंशन 5000 किए जाने, आवासहीन दिव्यांगों को पट्टा वितरण किए जाने, विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण दिए जाने सहित अन्य मांगे शामिल थी। छिंदवाड़ा जिले के संपूर्ण दिव्यांग संगठनों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से 16 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन शासन को सौंपा है। उस ज्ञापन में मांग की गई है कि 16 सूत्री मांगों पर त्वरित विचार किया जाए और दिव्यांग जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसे अतिशीघ्र पूरा किया जाए। अगर 2 सप्ताह के अंदर शासन का कोई सकारात्मक जवाब दिव्यांग संगठनों के पास नहीं आता है तो दिव्यांग संगठन पुनः एक बार आक्रोशित होकर अपने लिए और अपने दिव्यांग भाइयों के लिए उचित आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कोर्ट में उनकी कलमबंद हड़ताल जारी है। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक हाई कोर्ट के द्वारा उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी को तहसीलों में जिला स्तर पर सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सियानी बहुत एजेड अधिवक्ता हैं, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न हो रही हैं। उसको देखते हुए हमने अधिवक्ता संघ ने लगभग निर्णय ले चुका है कि इस हड़ताल को हम 19 तारीख से और आगे ले जाएंगे। संभवतः ये महीने की आखिरी तारीख तक 30-31 तारीख इस हड़ताल को हम निरंतर बनाए रखेंगे, जारी रहेगी। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पुनः हम आम सभा लेकर या मीटिंग कर सभी पूरे जिला के अधिवक्ताओं को साथ में लेकर, तहसील अधिवक्ता पदाधिकारियों के साथ में लेकर इस स्ट्राइक को निरंतर तब तक बढ़ाए रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती।